सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सुबह में खाली पेट इसे एक गिलास पी लीजिए और कुछ दिन तक इसे कंटिन्यू रखिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लोग अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक करते हैं और कुछ एलोपैथी करते हैं, यानी अंग्रेजी दवाओं का भी सहायता लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी दवाओं से उनका बीपी तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी फ्री में मिल जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। एक चीज़ और, इस आयुर्वेदिक ड्रिंक को तैयार करने के लिए आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हम सभी के किचन में ही उपलब्ध है। इसे तैयार करने के लिए हमें सिर्फ इन पांच चीज़ों की ही जरूरत होती है जो कि हम सभी के किचन में उपलब्ध होता है, जैसे कि लौकी, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता और काली मिर्च। आपको बता दूं कि यह एक बहुत ही अच्छी दवा है और ये हम सभी के घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आइए अब आपको बता दूं कि इस लौकी के जूस को कैसे तैयार करना है। इसके लिए आप एक मध्यम आकार या छोटे आकार का लौकी लीजिए, उसमें पांच धनिया का पत्ता, पांच पुदीना का पत्ता, पांच तुलसी का पत्ता और तीन चार काली मिर्च को पीसकर उसमें मिला दीजिए। फिर इसका रस तैयार कर लीजिए आप जूसर मिक्सर से या जैसे भी आप कर सकते हैं, और उसको खाली पेट एक गिलास या एक कप जितना भी आप पी सकते हैं उसको पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बीपी है वो बहुत ही तेजी से कंट्रोल होने लगेगा। और ये लौकी का जूस जिसमें कि धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता और काली मिर्च मिला हुआ है, ये हमारे हार्ट को व्यवस्थित कर देगा, यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक रखेगा। तो जिन भाइयों या बहनों को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, एक बार इस उपाय को अपना कर देखें, इससे उन्हें बहुत ही जल्द फायदा मिलेगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी हाई बीपी को कंट्रोल करने के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आयुर्वेदिक घरेलू इलाज से संबंधित ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हेल्थ टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।